अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी रोट बनाने की बहुत ही क्विक और यमी रेसिपी। वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें तो आप भी बहुत ही क्रिस्पी रोट्स घर में इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए बाउल में एक कप सूजी यानी सेमोलिना बिल्कुल बारीक पिसी हुई डाल दें, साथ ही इसमें आधा कप मैदा और आधा कप पिसी हुई चीनी का शामिल कर दें। चीनी को मैंने सिंपल ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 2 टेबलस्पून चॉप बादाम के डाल दें। 1/4 कप इसमें देसी घी, 3-4 ड्रॉप्स इसमें केवरा एसेंस के डाल दें। इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल दें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करें कि जब आप इसको इस तरह से दबाएं तो ये इस तरह की शेप में आ जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप दूध का ऐड कर दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और ये बिल्कुल इस तरह से हमारे पास सॉफ्ट डो तैयार हो चुकी है। इसे कवर करें और 10 मिनट का रेस्ट दें। अब बेकिंग ट्रे को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। इसे चारों तरफ अच्छी तरह से लगाएं ताकि कहीं से भी रोट्स चिपके नहीं। 10 मिनट के बाद हम अपने रोट्स तैयार करेंगे। अब बैटर का थोड़ा सा पोर्शन लें और इसका इस तरह से एक रोट तैयार कर लें। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना बल्कि आपको इसे थोड़ा सा थिक ही रखना है। अब आप एक प्लेट में थोड़े से कटे हुए पिस्ते और थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दें। रोट को इसके ऊपर रखकर प्रेस करें और अब इस तरह से हम सारे रोट्स तैयार कर लेंगे और इसे अब मैं बेकिंग ट्रे में एडजस्ट कर लूंगी। ट्रे में रखते हुए इसमें थोड़ा सा गैप रखें ताकि जब ये फूलें तो ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। पैन में मैंने एक स्टैंड रखकर इसको 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया। तो अब मैं बेकिंग ट्रे में रखूंगी, इसको कवर करूंगी और इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 25 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। इस बात का ख्याल रखें कि आपका लिड बिल्कुल टाइट हो। 25 मिनट के बाद रोट हमारे बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे कूलिंग रैक पे रखेंगे। रोट तैयार होने के बाद बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रोट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इसको निकाल के देखेंगे। और ये देखिए कितने परफेक्ट रोट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी रोट्स हमारे तैयार हैं। अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बिल्कुल बाजार के जैसा सूजी का हलवा किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 1.5 कप चीनी का शामिल कर दें और जिस कप से हम इसमें चीनी डालेंगे उसी कप से इसमें 4 कप पानी ऐड कर दें। तो 1 कप सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें 1.5 कप चीनी और 4 कप पानी के चाहिए। 4 कप पानी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें 3-4 अदद छोटी वाली इलायची डाल दूंगी। इसके बाद इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लें। अब इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर के ऐड कर दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस जब इसमें बॉयल आए और चीनी डिजोल्व हो जाए तो इसको एक साइड पर रख दें। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल करें, साथ ही मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम, किशमिश और नारियल ले लिया है जिसे मैं इसमें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी।
तो जब किशमिश इस तरह से फूल जाए और बादाम और नारियल फ्राई हो जाएं तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब इसी पैन में आधा कप घी का शामिल कर दें। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी जगह डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें एक कप सूजी का शामिल करें। सूजी भी हम उसी कप से डालेंगे जिस कप से हमने इसमें पानी और चीनी डाली थी। आप चाहें तो घर का कोई भी चाय का कप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको हल्की आंच पर इतनी देर तक भूनूंगी कि इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो मैं यहाँ पर नॉनस्टिक पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका पैन दूसरा हो तो आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, वरना अगर आपकी सूजी नीचे लगी तो आपके हलवे का टेस्ट और कलर दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमारी सूजी का बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें शुगर सिरप ऐड कर दूंगी। आप इसे ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें से एकदम से बबल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसे फ़ौरन से मिक्स कर लें कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब फिर से मैं इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी। 2 से 3 मिनट में ही बड़ा अच्छा सा हलवा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो बस जब हलवा हमारा इस तरह से गाढ़ा हो जाए और इसमें से बबल्स आने लगे तो हम इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड कर देंगे। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपके साथ वो टिप शेयर करूंगी जिससे बाजार के हलवे के ऊपर बहुत अच्छी सी शाइन होती है। तो इसके लिए आप 1 टेबलस्पून देसी घी लें और इस तरह से हलवे के ऊपर डालें। इसे कवर करें और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो ये देखें, 2 मिनट के बाद हलवे के ऊपर कितना अच्छा सा शाइन भी आ चुका है और इसका घी भी निकल चुका है। बस इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे वरना ठंडे होने पर ये और थिक हो जाएगा। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही लजीज हलवा हमारा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यम्मी और चटपटी बनने वाली चना बिरयानी की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दें, साथ ही इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया था वो शामिल करूँगी और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैं इतनी देर फ्राई करूंगी कि इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जब प्याज इस तरह से गोल्डन हो जाए तो इसमें से थोड़ी सी प्याज आप एक प्लेट में निकाल लें, तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक्स दालचीनी, 5 से 6 लौंग और 1 बे लीफ का डाल दें और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस में काट कर इसमें शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर दें। बिरयानी मसाला आप इसमें किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कवर करें और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लें। 5 मिनट में ही टमाटर हमारे बड़े अच्छे से गल चुके हैं और अब मैं इसमें 1 कप दही शामिल करूँगी। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लें और फिर इसे इतनी देर कुक करें कि दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे। तो ये दही का पानी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 कप बॉयल्ड चने डाल दूंगी। चनों को मैंने रात को पानी में भिगो दिया था और सुबह हम इसमें पानी डालकर थोड़े से नमक के साथ इसको बॉयल कर लेंगे। चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लें। 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और साथ ही 5 से 6 अदद खुश्क आलू बुखारा इसमें डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें
और कवर करके इसे 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें। तो बस ये हमारा बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार है। चावल तैयार करने के लिए एक पॉट में पानी डालें, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। इसे कवर करें और इसे बॉईल कर लें। पानी जब बॉईल हो तो मैं इसमें 3 कप बासमती राइस, जिनको मैंने धोकर आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, वो शामिल करूँगी और इसे हम कुक कर लेंगे। इसे हम इतनी देर कुक करेंगे कि ये 80% कुक हो जाएं। तो ये चावल हमारे बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसे छलनी में डालकर सारा पानी ड्रेन कर लूँगी। अब एक पैन में हाफ चावल डाल दें, साथ ही इसके ऊपर चने जो हमने तैयार किए थे वो मैं डाल दूँगी और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लें। बहुत ही टेस्टी और चटपटी बिरयानी ये तैयार होती है। सारे चने डालने के बाद बाकी के चावल भी आप इसके ऊपर डाल दें। अब जो हमने फ्राई की हुई प्याज निकाल के रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें। थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने पानी में मिक्स करके रखा था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। और ये 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चावल चेक करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी चावल हमारे तैयार हैं। इसे आप हल्के हाथ से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच ना चलाएं वरना आपके चावल टूट जाएंगे। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। गर्मा गर्म चटपटी बिरयानी हमारी तैयार है। शेयर करूँगी मलिदा बनाने की बहुत ही क्विक रेसिपी। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटा, जिसको हम रोज़ घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके 2 पेड़े ले लिए हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा आटा डस्ट करें और इस पर पेड़ा रखकर इसको हाथ की मदद से फैला लें। बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा और फैला लें। अब इसके ऊपर 2 टेबलस्पून देसी घी के डाल दें। अब मैं इसे ब्रश की मदद से फैला लूँगी और आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और फिर इसको गोल रोल करते हुए इसका एक पेड़ा तैयार कर लें। अब पेड़े को प्रेस करके फैला लें। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और आप इसे घर में ही रखी चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। अब हम इस पराठे को पहले से गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे। एक साइड से इसका कलर चेंज हो तो हम इसे फ्लिप करेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब इसे स्लाइटली सा प्रेस करते हुए दोनों तरफ से कुक कर लें। पराठा जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन होने तक कुक कर लेंगे। तो ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है और इसी तरह मैंने दोनों पराठे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन पराठों को तोड़कर चॉपर में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें आप हाथ की मदद से भी छोटे पीसेस में कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। इसे हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना बल्कि हमें इसे इस तरह का चॉप करना है। अब एक पैन लें और इसमें 4 टेबलस्पून देसी घी के डाल दें, 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून कोकोनट, 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स और 2 टेबलस्पून इसमें मैं किशमिश के डाल दूँगी। अब मैं इन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्रश्ड पराठा डाल दें, साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट के डाल दूँगी।
ये ऑप्शनल है और अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें हाफ कप पिसी हुई चीनी के डाल दूंगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करें कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये बहुत ही क्विक बनने वाला मलीदा या चूरी हमारी तैयार है। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करूँगी और अब आप इसे बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाले चावल या मीठे चावल बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 400 ग्राम मैं गुड़ के डाल दूंगी, साथ ही इसमें 2 कप पानी शामिल कर दें और इसे हम इतनी देर कुक करेंगे कि गुड़ मेल्ट हो जाए और इसका शीरा तैयार हो जाए। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 500 ग्राम तक गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 10 मिनट में ही बड़ा अच्छा सा शीरा हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। और अब मैंने लिए हैं 1/2 किलो चावल, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 1/2 घंटे के लिए सोख करके रख लिया है। तो चावल बॉयल करने के लिए हम सबसे पहले पतीले में पानी गर्म करेंगे और जब इसमें बॉयल आने लगे तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। मैं इसमें बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब हम इन चावलों को इतनी देर कुक करेंगे कि जिस तरह हम बिरयानी के लिए चावल तैयार करते हैं। हमें इन्हें फुल कुक नहीं करना बल्कि हम इन्हें 80% तक कुक करेंगे। और जब आप देखें कि चावल का दाना इस तरह से टूटने लगा है तो इसका मतलब है चावल हमारे परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चावलों को छलनी में डालकर इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। अब मैं एक पैन में 1/2 कप देसी घी का डाल दूंगी, आप चाहें तो डालडा घी या कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें 4 अदद इलायची और 6 अदद लौंग शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ का डाल दें और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। सौंफ डालने से चावलों में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब मैं गुड़ का शीरा छलनी से छानकर इसमें शामिल कर दूंगी ताकि गुड़ में अगर कोई छोटे से पार्टिकल्स या डस्ट वगैरह है तो वो निकल जाएं। अब हम शीरे को एक बॉयल आने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना बल्कि जब इसमें इस तरह से बॉयल आने लगे तो हम अपने बॉयल्ड राइस इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप इसको एहतियात से मिक्स करें ताकि आपके चावल टूटने ना पाएं। चावलों को हम इतनी देर कुक करेंगे कि इसमें से शीरा बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जब इसमें से शीरा बिल्कुल ड्राई हो जाए तो मैं इसमें थोड़े से बादाम जिनको मैंने भिगोकर छील लिया था और किशमिश और नारियल को मैं धोकर डाल दूंगी। अब चावलों को एक दफा फिर से मिक्स कर लें। और अब इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें और 15 मिनट के बाद हम चावल चेक करेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल हमारे तैयार हैं। इस तरह से हल्के हाथ से ही हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी और क्विक बनने वाली खीर की रेसिपी।
तो इसके लिए तकरीबन 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लें और अब ब्रेड स्लाइसेस के इस तरह से एजिस काट लें। इन एजिस को आप वेस्ट ना करें, इनसे आप ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें या इसे आप बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं भी इस दरमियान के पीस को यूज़ करूँगी और इससे मैं बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है और मैं इसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये सारे पीसेस को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल का डालें और उसमें इन स्लाइसेस को डालकर लो फ्लेम पर गोल्डन कर लें। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना, बल्कि जब ये लाइट गोल्डन हो तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी हम इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो जब ये दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन हो तो इन्हें निकाल लें। तो ये सारे पीसेस को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है। अब मैं इन्हें चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। अब एक पैन में 1 लीटर दूध का डाल दें और इसे बॉईल कर लें। जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसे 5 मिनट के लिए और पका लें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो अब मैं इसमें ब्रेड के स्लाइसेस जिन्हें मैंने चॉप करके रखा था वो शामिल करूंगी और अब मैं इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए कुक कर लूंगी। आप इसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहें, तकरीबन 6 से 7 मिनट में ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही मज़े की ये खीर तैयार होती है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखें 10 मिनट में ही ये बड़ी अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी और अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप चीनी का शामिल कर दूँगी और फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। चीनी अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तब इसे इतनी देर कुक करूंगी कि इसमें बबल्स आने लगें। तो बस ये परफेक्ट खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून खोया ऐड करूंगी। ये मेरे पास होममेड खोया है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करें और बस ये बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी खीर हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बादाम से इसकी गार्निशिंग करें और इसे खूब ठंडा करके सर्व करें। आज आपके साथ दूध का शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए एक बाउल में 1 टीस्पून तो हम मलंगा डाल दें और इसमें आधा कप पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 5 से 10 मिनट में ही ये इस तरह से फूल जाएगा। अब एक बाउल में 3 टेबलस्पून चीनी के डालें, साथ ही इसमें 1 कप नीम गर्म पानी का शामिल करें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गर्म पानी डालने से ये होगा कि चीनी आपकी बड़ी अच्छी सी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और जब ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून लाल शरबत के डाल दें। आप मार्केट में जो लाल शरबत मिलते हैं उनमें से कोई भी शरबत इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाजार जैसा फ्लेवर देने के लिए इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो कैबड़ा एसेंस के डाल दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब एक बाउल में मैं 2 गिलास दूध के शामिल करूँगी। दूध को मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें तैयार किया हुआ सिरप ऐड करूंगी और इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें तुह मलंगा जिसको मैंने सोख करके रखा था वो शामिल करूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें आइस क्यूब शामिल करूंगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चीनी और शरबत का रेशो आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और यम्मी दूध का शरबत हमारा तैयार है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते और थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दूंगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको ग्लासेस में सर्व करूंगी और थोड़े से बादाम और पिस्ते के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी मुखर्टी हलवे की बहुत ही क्विक रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में एक कप सूजी का डाल दें और इसी कप से इसमें दो कप दूध के ऐड कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख दें। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी के डालें। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बादाम, जिनको मैंने भिगोकर छील लिया, वो डाल दूंगी। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून नारियल और 2 टेबलस्पून किशमिश के डाल दें। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब इसे निकाल लें और इसी पैन में 1 कप चीनी का डाल दें। साथ ही इसमें 1/4 कप पानी का डाल दें। इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करें। जब चीनी इसमें बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए तो इसमें 3/4 कप घी के डाल दें। मैं इसको कंटिन्यूसली स्टर करती रहूँगी। हमें इसे इतनी देर कुक करना है कि इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और अगर आपको थोड़ा डार्क हलवा चाहिए तो आप इसका कलर थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं। चीनी बड़ी अच्छी सी कैरमलाइज हो चुकी है, तो अब जो सूजी मैंने भिगो कर रखी थी इसको मिक्स करूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे कंटिन्यूसली स्टर करती रहूंगी। इसे आप लो फ्लेम पर इतनी देर कुक करते रहें कि ये दोनों बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसे इस तरह से साथ साथ मिक्स करते रहें कि इसमें कोई भी लम्स ना बने। दस से 15 मिनट में ये बड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और अभी भी मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए और कुक करूंगी। जब ये इस तरह से अलहदा हो जाए और इसकी पीसेस बनने लगें तो बस अब ये तैयार है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची का डाल दूंगी। 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करें ताकि इलायची का फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा सा आ जाए। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हलवा हमारा तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। इसको डिश आउट करने के बाद थोड़े से नट्स मैंने बचा लिए थे, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी।